आज की वीडियो में जो कि हम आपको पांच ऐसे फ्यूचरिस्टिक बिजनेस और स्किल बताने वाले हैं, इसे जो कि इम्प्लीमेंट कर करके या इस स्किल को जो कि आप सीख करके जो कि आप ऑनलाइन इसको जो कि आप सेल कर सकते हैं और एज अ बिजनेस इसे है जो कि आप बना सकते हैं। तो ये पांच ऐसे स्किल है इसे है जो कि आप कहीं भी रहें, कहीं से भी आप इसे जो कि ऑपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कि थोड़ा सा जो कि आपको ध्यान देना है, और जो स्किल है जो कि आपको नहीं आता है तो वो स्किल है जो कि आप सीख भी सकते हैं। तो सबसे पहला स्किल के बारे में बात करते हैं, तो वो है जो कि वेबसाइट क्रिएशन। अगर आपको वेबसाइट बनाने आता है तो आप कहीं पर भी हो वहाँ से जो कि आप इस सर्विस को जो कि प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपको वेबसाइट क्रिएट करने नहीं आता है तो आप इसे जो कि सीख भी सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं से भी सीख सकते हैं और सीख करके जो कि इसे जो कि इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वेबसाइट क्रिएट करना आ गया तो उसके बाद जो कि आप कहीं भी रहें और कहीं से भी आप इसे ऑनलाइन सर्विस दे सकते हैं। वेबसाइट क्रिएशन का जो कि मार्केटिंग किस तरीके से करें कि जॉब मिले या काम मिले, उसके लिए जो कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप जो कि नेटवर्किंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी क्लाइंट का आप काम किए तो वहां से भी जो एक दूसरे के नेटवर्किंग के थ्रू भी जो कि ये काम यहां पर जो कि मिलता है। उसके साथ साथ जो कि आपको बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है वहां पर जाकर के जो कि आप अपना प्रोफाइल बना सकते हैं, जैसे कि फाइबर वगैरह इस तरीके के बहुत सारे ऐसे वेबसाइट होते हैं जहां पर जो कि आपको फ्रीलांसिंग के लिए जो कि आपको वहां पर जो कि वर्क मिल जाएगा। वहां से जो कि लोग कॉन्टेक्ट करते हैं और अपना वेबसाइट क्रिएट करवाते हैं, और इसे जो कि फ्रीलांसिंग के साथ साथ जो कि आप इसे एज अ बिजनेस भी बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो कि सेकंड स्किल है जो कि स्क्रिप्ट राइटिंग। अगर आपको स्क्रिप्ट राइटिंग करने आता है तो आपको कहीं पर भी जो कि ऑनलाइन सर्विस है जो कि आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपको जो कि स्क्रिप्ट राइटिंग आता है, तो स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए जो कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि ऑनलाइन है जो कि स्क्रिप्ट राइटर को जो कि धरते हैं, जो कि खोजते हैं। तो इसमें भी जो कि सेम प्रक्रिया है जो कि आप अपना सकते हैं, फेसबुक हो या किसी भी तरीका के जो कि सोशल मीडिया हो सकता है, या पर जो कि फाइबर पे भी है जो कि आप जा करके आप अपना प्रोफाइल बना सकते हैं, वहाँ से भी जो कि आपको वर्क मिलेगा, बशर्ते आपको स्क्रिप्ट राइटिंग करने आता हो, ठीक है। तो आज के लिए जो कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं और अभी जो कि सोशल मीडिया पे जो कि स्क्रिप्ट राइटर का जो कितना डिमांड है, वो सब काम है जो कि ऑनलाइन काम हो रहा है और आप भी जो कि ये काम को कर सकते हैं। इसके लिए जो कि बस थोड़ा सा जो कि आपको एफर्ट करना पड़ेगा, आपको नेटवर्किंग बनाना पड़ेगा, तब है जो कि आपको यहाँ पर जो कि अच्छा खासा जो कि अर्निंग आना स्टार्ट हो जाएगा। और इसे है जो कि फिर एक टाइम करने के बाद जो कि आप इसे एज अ बिजनेस भी बना सकते हैं, क्योंकि अगर आपको इस चीज़ के बारे में नॉलेज हो गया तो आप यहाँ पर जो कि दो तीन चार बंदों को है जो कि एक साथ रख करके जो कि आप काम ले करके आप जो कि काम करवा करके जो कि आप दे सकते हैं, तो ये एक बिजनेस भी बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो कि थर्ड स्किल के बारे में बात करते हैं, तो वो है जो कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट। जी हाँ, अगर आपका वॉइस में दम है, अगर आपको लगता है कि आप जो भी आप वॉइस बोलते हैं या जो भी आपका वॉइस है जो कि मैच खाता है कॉमेडी से, आपका वॉइस मैच खाता है मोटिवेशनल से, आपका वॉइस खाता है जैसे कार्टून वीडियो में, तो इस तरीका के वीडियो में जो भी वॉइस दिया जाता है या वॉइस ओवर किया जाता है उसमें भी है जो कि थर्ड पार्टी आप हम जैसे लोग है जो कि वहाँ पर है जो कि वॉइस ओवर करते हैं, उसके लिए भी है जो कि आपको नेटवर्किंग का ज़रूरत पड़ेगा, आपको सोशल मीडिया का ज़रूरत पड़ेगा, आपको है जो कि फाइबर का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। ये तीनों चारों चीज़ को जो कि आपको अपना करके जो कि आप भी है जो कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट के रूप में जो कि काम कर सकते हैं। मान लेते हैं एक सोशल मीडिया पे है जो कि कोई भी किसी भी तरीके के वीडियो बनाना चाहता है, कि बहुत सारे ऐसे एजेंसी हैं या बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जिन्हें है जो कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट की ज़रूरत पड़ता है, उनको जो कि स्क्रिप्ट राइटर को ज़रूरत पड़ता है। तो मान लेते हैं कि स्क्रिप्ट राइटर से जो कि यहाँ पर जो कि स्क्रिप्ट लिखा गया, वॉइस ओवर के पास है जो कि वो सेम PDF है जो कि वॉइस ओवर के पास चल गया, और वॉइस ओवर जो कि वहाँ पर रिकॉर्ड कर करके जो कि सेम चीज़ को जो कि मोबाइल में रिकॉर्ड करना है, मोबाइल से ही है जो कि आप यहाँ पर की पार्टी को फिर से मेल कर दिए या व्हाट्सएप कर दिए, तो ऑनलाइन आपके मोबाइल में जो कि पेमेंट आ गया, तो ये ऑनलाइन सारा काम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट का भी बहुत अच्छा स्कोप है और ये काम भी है जो कि आप कर सकते हैं और सेम प्रक्रिया आप अपना सकते हैं। अगर आपको इस फील्ड में आपका नेटवर्किंग बन गया है, मार्केटिंग हो गया है, तो आप भी जो कि फिर कल के डेट में जो कि दो चार बंदे को रख करके आप भी जो कि एज अ बिजनेस है जो कि बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो कि अगर फोर्थ स्किल के बारे में बात करते हैं, तो वो है जो कि सॉफ्टवेयर सर्विस। किसी भी फील्ड का सॉफ्टवेयर के बारे में आपको प्रोफेशनली आपको नॉलेज है तो यहाँ पर जो कि सर्विस दे सकते हैं,
किसी भी तरीका के मशीन का जो सॉफ्टवेयर होता है, या जैसे कि मेडिकल फील्ड में हो गया, या जो कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज एरिया में हो गया, जिसमें जो कि सॉफ्टवेयर होता है, जो कि पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जाम्पल मान लेते कि हमें जो कि एक ग्राफिक डिजाइनर है और मेरे पास जो कि फोटोशॉप का नॉलेज है, इलस्ट्रेटर्स का नॉलेज है, जो कोरल ड्रा का नॉलेज है, उसके साथ साथ जो कि प्रिपरेशन में जो सॉफ्टवेयर यूज होता है, ये सभी के बारे में जो कि हमको नॉलेज है, ठीक है। तो ये सब सॉफ्टवेयर को जो कि अगर किसी का प्रॉब्लम आ गया या किसी को जो कि ऑनलाइन कुछ बताना है, सिखाना है, तो वो जो कि हम ऑनलाइन कर सकते हैं, उसके बदले में जो कि हम कुछ फी है जो कि चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीका से जो कि आप भी कर सकते हैं। तो इसके लिए भी जो कि आपके जिस भी फील्ड में जो कि आपको नॉलेज है, उस फील्ड में जो कि आपको नेटवर्किंग स्ट्रांग करना होगा, उसके बाद जो कि आप भी जो कि अच्छा खासा अमाउंट है जो कि जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद जो कि फिफ्थ और लास्ट है जो कि स्किल के बारे में बात करते हैं, वो है जो कि पब्लिशिंग एंड सोशल मीडिया मैनेजमेंट। आज के डेट में जो कि जितना भी सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे है जो कि चैनल है, या जिस भी तरीका के, वो है जो कि फेसबुक का चैनल हो सकता है, वो जो कि यूट्यूब का चैनल हो सकता है, या इंस्टाग्राम अकाउंट हो गया, या ट्विटर का अकाउंट हो गया, तो इस तरीका के अकाउंट या चैनल को भी मैनेज करने के लिए एक बंदा का ज़रूरत पड़ता है। स्टार्टिंग में जो कि आप इसे एक जॉब के तौर पे भी आप ऑनलाइन सर्विस दे सकते हैं, और एक टाइम के बाद जो कि आप यहाँ पर जो कि इसको एक अपना टीम बना करके यहाँ से भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। सोशल मीडिया मैनेजर होता क्या? फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि यूट्यूब चैनल के लिए जो कि एक सोशल मीडिया मैनेजर का जो कि ज़रूरत पड़ रहा है, वो करता क्या है, उसका काम क्या है? जो भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड होगा उसमें जो कि टाइटल क्या लगेगा, उसके साथ है इसमें टैग कैसा लगेगा, उसके साथ साथ है जो कि इसमें थंबनेल है, जो थंबनेल किस तरीका से बनेगा, थंबनेल में जो कि कौन सा टेक्स्ट है जो कि रखाएगा, कौन सा टेक्स्ट वहाँ पे काम करेगा, कौन सा एट्रैक्टिव वहाँ पे जो कि कलर लगेगा, तो ये सब है जो कि मैनेज करता है। इसके बाद जो कि वीडियो को अपलोड करता है, वीडियो को जो कि पब्लिश करता है, उसके साथ साथ जो कि अगर फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, कौन सा वीडियो अपलोड हो रहा, कौन सा इमेज अपलोड हो रहा, तो ये सब जो कि मैनेज किया जाता है। तो ये एक पब्लिशर और सोशल मीडिया मैनेजर कहा जाता है या मैनेजर होता है, ठीक है। तो अगर आप भी जो कि इस तरीके से करना चाहते हैं या आप सीखना चाहते हैं, तो आप भी जो कि सीख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप कुछ ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इसी तरीका के नॉलेजेबल वीडियो जो कि इस चैनल पे आते रहता है।